हॉस्पिटल में आने के लिए हॉस्पिटल मेरे पीछे देखा। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं भाई सब बहुत बढ़िया हूँ। और इस टाइम बज रहे हैं 6 और आज है 10 अप्रैल। और आज मैं जा रहा हूँ यूपी, क्योंकि भाई साहब ईद आने वाली है। ईद घर के करूँगा और शादी भी है, शादी के लिए कपड़े भी लेंगे। पहले जाऊँगा मामा के पास, एक दिन रुकूँगा। और इस टाइम पहले रोज़ा लग रहा है, रोज़ा तैयार करते हैं। आधा घंटा बचा है तैयारी में। अब आपको मिलते हैं रात में खतरनाक तरीके से, ठीक है? मेरी शादी नहीं है, ठीक है? और चाचा आज मैं घर को जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, घर को जा रहा हूँ मैं। मूड खराब है मेरा तो। क्यों क्यों खराब है? तू घर को जा रहा? मेरे घर जाने से इतनी दुखी, मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को कुछ वो है, मतलब पहचान है मेरी कुछ, है ना? ले लो। और भाई क्या हाल है? सो गाइस तुम्हारा भाई हो चुका है बिल्कुल रेडी यूपी जाने के लिए तैयार, देख सकते हो आप सब। और अब जरा स्टेशन पे जाके बात करते हैं। सो भाई रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, अभी टिकट लूँगा। टिकट लेना है भाई, अभी बैग छोड़ने गए मेरे। बहुत लाइन लग रही है यार यहाँ तो। ये देखो कितना रश है यार, भाई सब चीज़ बहुत भीड़ है। आप तो घंटा हो गया खड़े खड़े, अभी तक टिकट नहीं मिलेगा। बहुत 10-25 मिनट भाई लोग मिल चुकी है हमें ट्रेन। एक्चुअली इमरजेंसी थी एक, इसलिए जर्नल में, वरना मैं स्लीपर लेता। और अब यहाँ से जाऊँगा मुजफ्फरनगर, सब कुछ ले चुका हूँ, बैग वगैरह। तुम्हारा भाई रेडी भी हो चुका है बहुत अच्छे से, न्यू एयरपोर्ट सुनी है तुम्हारे भाई ने। और अभी ट्रेन चलेगी 10:25 पे, 10 बजे हुए हैं। सोचता हूँ कुछ पानी वगैरह ले लेता हूँ, देखता हूँ। मुझे ट्रेन में सैरी करनी पड़ेगी, इसके लिए बॉटल ले रहा हूँ और थोड़ा सा जूस का ग्लास ले रहा हूँ। उधर सामने यहाँ तो मिल रही नहीं है कहीं दुकान यार, रेलवे स्टेशन में बहुत सी दुकान होती है। नहीं नहीं सामने नहीं, अभी लेके फिर वापस आ। भैया पानी की बोतल एक और अमूल दूध और पानी की बोतल। पीने वाली होता है ये दूध, ठंडा है? ठंडा है, ठंडा ठंडा दे दो। और एक ठंडी पानी की बोतल मैं ले चुका हूँ, एक पानी की बोतल, एक ये अमूल दूध है और वो चिप्स है, ये सब ले चुका हूँ। थोड़ा खाना वगैरह वो रहता है ना, फिर रमज़ान भी रखना है। अभी जा रहा हूँ अपने सीट नंबर पर। तो फर्स्ट टाइम ऐसे सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, कभी ऐसे किया नहीं फ्रेंड्स के साथ वगैरह के साथ। आज देखते हैं सोलो ट्रैवल का क्या एक्सपीरियंस रहता है, साथ साथ आप भी देखते रहे, हम करते रहते हैं। फाइनली इतना इंतज़ार करवाने के बाद चढ़ गए ट्रेन। रात के बज चुके हैं बिल्कुल, 1 बज चुके हैं। इस वक्त ट्रेन आई है जलंधर और कुछ खाने के लिए ले रहा हूँ, सैरी भी करनी है। और बहुत रात हो चुके और मुझे नींद नहीं आती। ओके भैया ये लिया पैटिस लिए और सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक दे दो कोई भैया। कोका कोला है भैया? कोका कोला दे दो। थैंक यू भैया। ये भैया 20 का कितने हो गए टोटल? 20-30-50-100 रुपये हो गया। सफ़र चल रहा है बिल्कुल बहुत बेकार है ये, इसको बोलने दो पहले। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सफ़र का, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ फर्स्ट टाइम, वरना मैं दोस्तों के साथ आता हूँ, इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा है। और बोरिंग, बहुत बोर हो रहा हूँ इस वक्त। मैं बस मोबाइल में फिल्म वगैरह देख रहा हूँ। अभी सैरी का टाइम होगा तो सैरी करूँगा, सब सामान ले लिया हुआ है। अब चलते हैं, जैसे चलता है चलने देते हैं उसको। बोर तो हो रहा ही हूँ, पहुँचना तो है। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी उठा हूँ मैं। अभी उठा उठा नहीं है, पूरी रात सोया नहीं हूँ। अभी 2 घंटे लगेंगे, पूरी तरह बोर हो चुका हूँ। मेरे साथ कोई नहीं, अकेला हूँ। अभी देखते हैं, अभी फेस वॉश करता हूँ फिर जाता हूँ। पूरी रात बैठे बैठे हो गए, अब देखते हैं क्या होगा। तो गाइस मैं फाइनली मुजफ्फरनगर पहुंच चुका हूं। मामा अभी नहीं आए, मामा ने क्या रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल में आने के लिए। हॉस्पिटल गए हैं वो,
अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। फाइनली यूपी आ चुका हूँ। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अपने दोस्तों से मिलने की यार, और कपड़े भी लेने हैं, बहुत सारी शॉपिंग्स करनी है, क्या क्या करनी है, बहुत तगड़े तगड़ा। बस अब चलते हैं ज़रा, अभी मामा ने हॉस्पिटल बुलाया है, पहले हॉस्पिटल जाता हूँ। रेलवे स्टेशन यूपी का, मैंने सुना है कि बाहर से रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है, अंदर से ऐसा ही है। चलो देखते हैं ज़रा बाहर से कैसा है रेलवे स्टेशन। वो मेरे पीछे देख रहा होगा रेलवे स्टेशन कैसा है ये। ठीक है, थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेता हूँ। कोई रिक्शा लेना पड़ेगा, रिक्शा यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिस। भैया भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे? आ जाओ, आ जाओ, अरे डाले आ जाओ भाई। कितने रुपए लोगे पहले बताओ? सवारी का 30 ले लो। ना 30 ले लो यार, सवारी मिल गई 30 ले। चलो ठीक है, बाहर के दिन चलो चलो। बहुत दिनों बाद बैटरी रिक्शा में बैठे हैं यार। हाँ सही में, वरना जम्मू में रहते थे। और क्या और सुना भाई साहब, यूपी में सब हाल चाल से चल रहा है? नहीं सब बढ़िया। अगर आप सभी को व्लॉग अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, इतना ही बहुत है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ मामू काम करते हैं। माँ भी नहीं है, घर से निकले ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। कह रहे थे मुझे यहाँ आ जाना, मैं अभी पता नहीं अभी तक आए नहीं। मैं पहुँच गया, घर पे ही है, रमज़ान रखा है ना उन्होंने, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो भाइयों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने मामा के रूम पे। मामा लगे थे मुझे लेने, नीचे हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं।